सहारा मैरिज हॉल मुंब्रा का शानदार ओपन वेडिंग हॉल विथ नेचुरल एनवायरनमेंट है। चाहे आपकी शादी छोटी हो या बड़ी, हम आपके सपनों को हकीकत में बदल देंगे। इन हाउस डेकोर वीआईपी लाउंज के साथ एम्पल ऑफ पार्किंग, डेस्टिनेशन वेडिंग कॉटेज, गेस्ट रूम, स्विमिंग पूल जल्द ही अवेलेबल होने वाला है। वेरियस डिस्काउंट ऑफर, जरूरत के हिसाब से दोनों हॉल इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। इजी कनेक्टिविटी के साथ बेस्ट कैटरिंग सर्विस, फुल फ्लेज मैरिज हॉल विथ एट्रैक्टिव पैकेज के साथ जो आपके बजट में, सहारा मैरिज हॉल। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुंब्रा के एमएमवली स्थित हकीम अजमल खान हॉस्पिटल, जो है यहाँ पर मौजूद है। दरअसल हज करने वाले जो हज यात्री हैं उनको मेडिकल सर्टिफिकेट की काफ़ी ज़रूरत है, लेकिन इस सर्टिफिकेट जो इशू यहाँ पर किया जा रहा है, इसमें भी अब जो है कहीं ना कहीं एक अलग मामला सामने आ रहा है। अजीज भाई, आप यहाँ पर हैं और आप लोग एक लेटर भी लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं। दो से लगभग 3 दिन हुआ होगा यहाँ पर, और भी राजनीतिक पार्टी के लोग आए थे, उन्होंने भी अपना दावा पेश करके गए यहाँ पर कि जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है और अलग अलग प्राइवेट लैब है उनको साथ में लेकर आए थे कि हम लोग ये कर दे रहे हैं। मैं सिर्फ इतना आपको बोलूँगा, ज़्यादा बात करके मतलब नहीं, मेरे हाथ में दस्तावेज है। क्या वो 2-3 दिन पहले जो लोग आए थे उन्होंने ऐसा कोई दस्तावेज़ लाया था क्या? कोई साबित कदम था उनके साथ में? जैसे हम साबित ला रहे हैं कि ये 29 तारीख की डेट है और नजीब मुल्ला साहब का लेटर हेड है और इसमें मांगनी है कि यहाँ पे वैक्सीनेशन ड्राइव और सर्टिफिकेशन ड्राइव जल्द से जल्द मुहैया किया जाए, जो पिछले साल तक के यहाँ पर था वो नहीं होने की वजह से कुछ समझदार लोगों ने, जो मतलब यहाँ के होशियार लोग थे या कोई हाजी थे जिन्होंने इसकी शिकायत की, नजीब भाई को मालूम पड़ा, राजू भाई को, हमको मालूम पड़ा, हम लोग गए फ़ौरन कमिश्नर से मुलाकात की और ये लेटर पुटअप करके उससे ये कमिटमेंट लिए कि 1-2 दिन में चालू हो जाएगा। ये एक कॉम का काम था, इसमें अभी ये दिखाना पड़ रहा है क्योंकि कुछ लोग इसकी भी क्रेडिट लेने आए। हम इसकी क्रेडिट लेने के लिए काम नहीं किए थे, हम ये चाह रहे थे कि हमारे मुंब्रा कौसा और आसपास के इलाके के लोगों को ये सहूलत नज़दीक से नज़दीक मिल जाए। तो हमने ये काम सिर्फ इस नीयत से किया था कि भाई हाजियों का काम है, सवाब का काम है, लेकिन कुछ लोग इसका भी पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने के लिए इसके ऊपर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये वो सब करके जो किए, तो मजबूर हो गए, हमको अब सामने आना पड़ा कि भाई ये काम असल में जो है ना करने का क्रेडिट अगर जाता किसी को है तो नजीब मुल्ला साहब को जाता है और हम जैसे कुछ लोग उनके पीछे थे इसलिए हमको जाता है, लेकिन हम इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहते। आपके ज़रिए मैसेज देना चाहते हैं कि जितने हज यात्री यहाँ से ये सहूलत का फ़ायदा उठा के जाएंगे वो हमारे हक़ में दुआ करें। लेकिन जो लोग आए थे यहाँ पर वो तो साफ तौर पर कह रहे थे कि यहाँ पर जो विधायक हैं उनके मांगनी पर ये पूरा हुआ है। सही बात है, बिल्कुल उनके मांगनी पे ये पूरा हुआ, और आप तो खैर लेटर लेकर आए हैं, वो लेटर लेकर नहीं आए। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ ना कि मैंने साबित काम किया हूँ, मेरे नेता ने साबित काम किया है, तो मैं लेटर के साथ आया हूँ, उस पर डेट भी है, उनके इंटरव्यू का आप डेट देख लो और इस पर एप्लीकेशन का डेट देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि काम किसकी वजह से। आखिर ऐसा क्यों, जो हज जाने वाले यात्री हैं, एक हज के लिए जा रहे हैं और यहाँ पर उनके सर्टिफिकेट को लेकर जो है एनसीपी पार्टी के दो तरफ से अलग अलग लोग आ रहे हैं। देखिए ऐसा है कि ये जो नहीं होना चाहिए, ये हरकत जो है ना पिछले 14-14.5 साल से हो रही है, काम करता कोई और है और क्रेडिट लेना चाहता कोई और है, तो ये कब तक चलेगा? अब हमारे भी बाल सफ़ेद हो गए, उम्र हो गई है, ज़ुबान खुल गई है, अब खुल कर बोलना ही पड़ेगा कि तुम्हारी क्रेडिट लेने की का टाइम अब गया, जो हकीकत है वो सामने आएगा। अब हम जब भी कुछ बोलेंगे कि ये हमने किया है, अगर हमारे ज़रिए हुआ रहेगा तो हम ऐसी दस्तावेज़ के साथ में आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है, लेकिन उन्होंने कुछ प्राइवेट लैब का नाम बताया था कि प्राइवेट लैब में वो टेस्ट कराएं, यहाँ आकर वो अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो कौन कौन से प्राइवेट लैब हैं, आप ज़रा बताइए कि आप लोगों ने कौन कौन से लैब को किया है। हमने नहीं किया, हमने असल में ऐसा है कि 3-4 लोगों से हमने बात ये की थी कि कुछ लोग यहाँ पर ज़्यादा पैसा चार्ज कर रहे थे। एक हमारे एक जाने वाले हाजी जो हैं उन्होंने हमें उनका रिसिप्ट दिखाया,
1500 रुपये हमसे लिया गया था। तब हमने फ़ौरन जितने भी लैब के लोग हैं, तीन लोगों से हमने बात किया, एक ठक्कर हैं, एक मैक्सिम हैं और एक बिलाल हॉस्पिटल के लोग हैं, कि भाई आप मिनिमम चार्ज करने की कोशिश कीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है सर, हम लोग वैसे भी चार्ज ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। बिलाल के जो हमारे डॉक्टर निज़ाम साहब हैं उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई मैं 300 रुपया ही ले रहा हूँ। तो ठीक है, 300 रुपया तो आदमी भरने में इतना कोई वो नहीं होना चाहिए, और अगर किसी को 300 रुपया नहीं भरना है अगर, तो यहाँ आने के बजाय वो शिवाजी जो नाम आपने बताया यही नाम वो लोग भी बता रहे थे और यही चार्ज भी बता। बिल्कुल, तो नहीं, ये तो प्राइवेट, देखो आप कहीं पर भी चले जाएँ, मुंब्रा में तकरीबन 15 से 20 लेबोरेटरीज है, आप कहीं भी चले जाएँ, हर आदमी उतना ही पैसा लेगा, कोई 25-50 रुपया ज़्यादा लेगा या कोई 25-50 रुपया कम लेगा, इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और ये किसी के बोलने से नहीं हुआ है, वो देखो जो यहाँ पर लेबोरेटरी चला रहा है वो भी पैसा कमाने के लिए बैठा है, मगर जब वो हाजी का सवाल आता है तो उसके दिल में भी थोड़ा सा ईमान जागता है कि नहीं यार, हमें कुछ ना कुछ हाजियों के लिए करना चाहिए, तो वो अच्छा है, काम कर रहे हैं। और ये जो हाजी हैं, जब वो 4 लाख रुपये 5 लाख रुपये भर करके वो हज को जा सकते हैं, तो ये 300 रुपये 400 रुपये उनको भारी नहीं पड़ने वाला है। तो इसकी क्रेडिट लेने की ज़रूरत किसी को होनी नहीं चाहिए। अगर कोई क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है, जैसे भी आपने देखा परसों के रोज़ यहाँ किसी ने आके बोला कि भाई वो हमने बात की और हमने करवाया, आपको मैं हकीकत बता दूँ कि सबसे पहले इसकी आवाज़ अगर किसी ने उठाई तो इन अजीज बाटा साहब ने सबसे पहली मरतबा मुझे बोला कि राजीव भाई कुछ हाजियों का ऐसा सा मसला है कि उनको कलवा जाना पड़ रहा है अपना फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए। बोला नहीं होना चाहिए, पिछले साल तो था हमारा यहाँ पे। फिर फौरन मैंने उमेश बिरारी साहब, जो हमारे DMC भी हैं, हॉस्पिटल के इंचार्ज भी हैं और हमारे सचिव भी हैं, सेक्रेटरी भी हैं हमारे महानगर पालिका के, तो उन सचिव साहब से मैंने फ़ोन के ऊपर बात की कि साहब आपने क्यों नहीं चालू किया अभी तक। बोले नहीं, मैं अब भी ऑर्डर देता हूँ, मेरे दिमाग में नहीं रहा और शायद मेरे से मिसप्लेस हो गया होगा। फिर फौरन हमने जाकर ये बात को हमारे, क्योंकि हमारे गट नेता हैं, हमारे जितने भी तमाम पक्ष जो हैं उस पक्ष के गट नेता हमारे नजीमुल्ला साहब हैं, वो मेरे भी नेता हैं, इनके भी नेता और तमाम नगर सभा के गट नेता हैं वो, हम उनके पास गए और उनसे कहा कि भाई ऐसा सा मसला है, और उसको उनको हमने इस बात से अवगत कराया। अवगत कराने के बाद में फौरन वो हमको लेकर के कमिश्नर साहब के पास पहुँचे, कमिश्नर साहब केबिन में बैठे थे, हम केबिन में मिले और मिल करके हमने बात की। फौरन उन्होंने लेटर दिया उनको, लेटर देके फौरन उमेश बिराड़ी साहब को ऑर्डर दिया गया कमिश्नर साहब की तरफ से कि नहीं इसको ऑन द स्पॉट चालू करवा दिया जाए। शनिचर के रोज़ ये पहले दिन चालू हुआ, जिस दिन तकरीबन 8 से 9 लोग यहाँ पर आए थे और आकर के उन्होंने यहाँ पर अपना फिटनेस सर्टिफिकेट लिया। मगर आज आप देख सकते हैं गर्दी को, तकरीबन 40 लोग सुबह आ चुके हैं और 40 लोग अभी कतार में बैठे हुए हैं और लोग अपना फिटनेस सर्टिफिकेट लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनका काम हो जाएगा। मगर खाली एक मसला ये है कि यहाँ पर हमारे पास लेबोरेटरी ना होने की वजह से, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल अभी तक चालू नहीं हुआ है, यहाँ पर सिर्फ हमारा जो प्रसूति गृह था, हमारा जो मैटरनिटी होम था, उसी को मुंब्रा से लाकर यहाँ शिफ्ट किया गया है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल डिलीवरीज के लिए। तो हमारी आज एक मांग और रहेगी कि हम आज कमिश्नर साहब से मिलेंगे, आज और कल के अंदर हम ये उन्हें इस बात से अवगत कराएंगे कि जब आपने मैटरनिटी होम यहाँ पर चालू किया तो एक OT को अपने ताबे में लेकर के एक गायनाकोलॉजिस्ट के जो हमारे सर्जन हैं, गायनक सर्जन जो होते हैं, उनको यहाँ पे अपॉइंट कीजिए और यहाँ पे C-section डिलीवरीज भी किया जाए। वरना हो रहा क्या है, आप जब नॉर्मल डिलीवरी से यहाँ पर जब महिलाएँ आती हैं, जो प्रेगनेंट वुमेंस आती हैं, तो कभी कॉम्प्लिकेशन बढ़ते हैं, अक्सर होता है, आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ होगा कि बच्चा कभी पेट में घूम जाता है, कभी हमारे जो ओरेटस में प्रॉब्लम आ जाता है, कभी बच्चे की थैली के अंदर प्रॉब्लम आ जाता है, तो उनको फिर रेफ़र किया जाता है किसी बड़े डॉक्टर के पास। तो यहाँ से कलवा हॉस्पिटल ले जाना तकरीबन 9 से 10 किलोमीटर का रास्ता है, बीच में कुछ हादसा हो सकता है, जैसे आपने बीच में देखा कि एक हादसा यहाँ पर हो गया था, तो वो हादसा ना हो इसके लिए हमने पहले भी कमिश्नर साहब से बात की और आज भी हम जाके कमिश्नर साहब से बात करेंगे कि यहाँ पर हमारा C-section चालू होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने सुना कि यहाँ पर जो हज के लिए जा रहे हैं हज यात्री, उनके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अजीत पवार NCP गुट के जो यहाँ कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनका कहना है कि इसको लेकर राजनीति हुई, क्योंकि कुछ दिन पहले ही यहाँ पर शरद पवार गुट के NCP कार्यकर्ता पदाधिकारी पहुँचे थे और उन लोगों ने भी यही बताया कि जो है ये उनके तरफ से करके दिया जा रहा है, लेकिन अब जो है ये NCP के अजीत पवार गुट के पदाधिकारी आए और इनका कहना है कि ये नजीमुल्ला की तरफ से करके दिया जा रहा है।